Hi everyone, what's up? Namaskar, Kim Chu, Adab, Sat Sri Akal, Vanakkam. Welcome back to my YouTube channel. Mr. and Mrs. Raj, मैं हूँ सचिन, ये है कीर्तिक. और कीर्तिक आज मेरी गोद में कितना शांत से खड़ा है, ये अपने आप में ताज्जुब की बात है. तो गाइस, आज आपसे बहुत सारी जरूरी बात करनी थी. आज मिस्टर मिस्टी भी साथ हैं, अमित किट्टो भी साथ हैं. तो सबसे पहले ए ए बी सी. तो बहुत सारे लोग कुछ कुछ कह रहे थे कि भाई आप लोग अमित किट्टो हो, ये मिस्टी को आप लोग आप सचिन भाई बुलाते नहीं हो, बात नहीं करते हो. तो बोला नहीं, पहले आता था, पहले जिस इवेंट में नहीं आए हो ना तो आता था. अभी इवेंट से पहले तो इवेंट में शायद सबको इस बात का जवाब मिल गया होगा. और मैं आपको बता दूं ना कि जब भी मेरा कोई प्रोग्राम होता था, इवेंट होता था ना, उस समय मिस टू मिस्टी का कुछ ना कुछ बिजी शेड्यूल होता था, या कभी मिस्टी बीमार होती थी, या कभी ये लोग कहीं जाए रहते थे गांव वगैरह, तो इसके वजह से नहीं आ पाता था. इनका कोई भी फंक्शन हो ना तो उस टाइम मैं गांव में था. इनका कोई भी फंक्शन हो, हम चार पांच आदमी तो फिक्स हैं भाई. मिस टू मिस्टी से हमारी लड़ाई हुई थी, ये बात कहना बिल्कुल गलत है. इनका मैंने भी सीखा है ये चीज. मिस टू मिस्टी से कोई हमारी किसी तरह की कभी लड़ाई नहीं हुई है आज तक. हालांकि ऐसा लग रहा था कि लड़ाई हो जाएगा, बट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने संभाल लिया. मिस्टू तो लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे हुए थे. मिस्टू भाई बोले वाले इंसान, भाई वो झगड़ा नहीं करते हैं. तो भी हमको भड़काई थी, कितना पता है मेरे को. तो भी हमको भड़काई थी, हम भड़का दिए थे इनको बहुत ज्यादा. सचिन भाई कुछ भी हो, मिस्टू मिस्टू से लड़ाई मत करिएगा. तो ऐसा है, हम लोग किसी से कोई लड़ाई वगैरह नहीं था. घर में ज्यादा लोग रहते ना तो बच्चों को अच्छा लगता है. सब एक जगह बैठे हुए थे और हम लोग हमेशा शुरू से ही एक जगह बैठे रहते थे. हम लोग मेरे को आज भी याद है, स्टार्टिंग में हम लोग 3-4 लोग होते थे, तो इकट्ठा बैठना उठना सब हम लोग का बराबर चलते रहता था. लेकिन वक्त के साथ साथ ना, जब बेबी हुआ, फिर इनको अपना बच्चों का ध्यान रखना, फिर अपना काम का ध्यान रखना, सब कुछ. अभी बस सचिन भाई का वेट है बस. हाँ, तो मेरा वेट तो पूरी दुनिया ही कर रही है से. और जिस दिन आएगा उस दिन तबाही तो थोड़ी बहुत आएगी आएगी तो बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ यूट्यूब क्रैश. नहीं, लोग बहुत प्यार देंगे, बहुत ज्यादा कमेंट आता है ना, मोस्ट अवेटेड बेबी. तो सब ये चाहते हैं कि जल्दी से जो भी है माता रानी के हाथ में जल्दी हुआ वो अच्छे से हुआ. तो मैं आपको आज की वीडियो में यही बता रहा था कि मिस्टू मिस्टी हो या अमित किट्टो हो या कोई भी हो, देखो बातचीत नहीं होने का ये मतलब नहीं होता कि हमारी लड़ाई हो गई, गैप हो जाती रहती थी, गैप हो जाना लगा. अलग बात है, अमित भाई का बात नहीं होता था मिस्टू से. नहीं, बात ही मिस्टी से तो बातें हो रही थी. नहीं, अमित भाई का और किट्टो का बात, अमित किट्टो का बात नहीं होता था मिस्टू मिस्टी से. मैं ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि इन लोग की बात क्योंकि इन लोग की भी बातचीत होती रहती थी. और ये होता है ना कि हमेशा टाइम नहीं मिलता था कि हर समय कोई एकदम कब तक 24 घंटा तो कोई लग नहीं सकता. इनके भी बच्चे हो गए, उनके भी बच्चा हो गया. सही बात. तो दोनों अपने बच्चों को, क्योंकि बेबी होने के बाद ना इंसान की पहली प्रायोरिटी हो जाती है कि अपने बच्चों को ध्यान. फट गया, फट के उसे चुर चुर देके कैसे आवाज दे रहा है. जो कर रही थी 3-4 दिनों में, वो चीज में गुस्सा थी. 3-4 दिन सिर्फ एक दिन. अच्छा, एक ही दिन गुस्सा थी क्या? अच्छा, तो मिस्टी तुमको कुछ कहना है कि हमारी लड़ाई क्यों हुई थी? हमारी लड़ाई हुई नहीं थी, पहली बात हुई नहीं थी. हमारी लड़ाई बहुत भयंकर हुई थी, लेकिन हमारी लड़ाई बहुत भयंकर थी, इतनी ज्यादा हो गई थी, ऐसा कहते थे कमेंट में लोग. हमें कभी ऐसा कुछ सीख नहीं सीख दे भाई. नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको एकदम सच बताऊंगा, हमारी लड़ाई करने की बहुत कोशिश की गई, तो हम लोगों ने टाइम का गैप बना लिया था, बस थोड़ा सा गैप बना लिया और बोल के बनाया था भाई 2-4 दिन ऐसे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी. बट मुझे पता था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा. जैसे हम लोग थोड़ा सा दिखना बंद हो गए, लोगों को लगे भाई ये तो लड़ाई हो गई इनकी. लेकिन फिर उसके बाद जाके हम लोग खाना खाने लगे एक थाली में, तो सबको समझ आएगी सारे सब एक जैसे हैं. इसलिए उसके बाद से जो कोशिश कर रहे थे वो लोग भी अलग हो गए. इधर लग रहा है ब्लॉग बन रहा है ना. तो ऐसा है कि सबका प्यार बना रहे, सब लोग साथ रहे. कोई भी क्रिएटर ये नहीं चाहता कि किसी से अनबन हो, और हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी सोच है. मेरे से तो भैया बहुत लोगों की हो जाती होगी, बहुत लोग मेरे से प्यार से रहते ही हैं. फेमस हूँ इस मामले में, मैं चाहती हूँ आपसे मैं फेमस हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरे से गलत बर्दाश्त नहीं होता. अगर कोई चीज गलत है ना, किसी का ये कैसे आता है? अमित भाई फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे. अमित भाई अपने ऊपर जो लोग सारे बर्दाश्त कर लेंगे, मिस्टिया बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मतलब ये बर्दाश्त नहीं करेगा, ये तो भैया फेंक देगा.
ऐसा है कि अभी बहुत अच्छा लगा, पहली बार मिस्टू मिस्टी आया मुझे के घर और बहुत सारी रौनक लगी। पहली बार तुम वहाँ भी गए थे सचिन भाई के वहाँ पे? हाँ, मेरे घर भी पहली बार ही आए थे। भुजिया कौन लेके गायब कर दिया? भुजिया में ईटा कोई नहीं खाता है। ईटा तो ऐसा है, आप सभी लोग अपना प्यार बनाए रखिए। मिस्टू मिस्टी, अमित किट्टो, सचिन मनीषा, रुद्र पूजा, जिया शाश्वत और पुरानी मंडली यही थी ना, अपना तो यही है। बाकी इसके साथ साथ अब तो बहुत सारे लोग आ गए, मम्पी, राहुल और हम लोग के, और चेन में नेहा दीदी हो गई, बहुत सारे हो गए। अब विजय रिया हो गया, पहले हम तीन लोग विजय रिया। हाँ, विजय रिया इस बार नहीं आ पाए क्योंकि उनका कुछ प्रॉब्लम था। विजय रिया जिसको बच्चा हुआ था, मेरी विजय रिया से ऑनेस्टली बात नहीं हुई कभी, तो मैं इनवाइट ही नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार, लेकिन नेक्स्ट इवेंट होगा, अभी मिलेंगे ना हम लोग, वो रुद्र के यहाँ आ रहा है वो। हाँ, मिलेंगे गाइस वहाँ। तो कार्तिक का तबीयत ठीक हो जाए तो अभी उस अभी वो वाले इवेंट में भी ट्रेन का टिकट नहीं है, घुमा दूंगा मैं, चलना है। बैठना था मुझे बस एक बार, बैठना। मिस्टू मिस्टी का ना हमको बोले तुम भी फ्लाइट पकड़ के आ जाओ। मिस्टू मिस्टी के और अमित किट्टो का दोनों के लाइफ का ना मैं एक पन्ने का ना ऐतिहासिक पन्ना मैं हूँ, क्योंकि ये जब भी फ्लाइट में बैठेंगे मेरे को याद करेंगे। बेबी शूट जब भी कराना होगा मेरे को याद करेंगे, या जब भी किसी आगे होने वाला है शायद क्या, क्योंकि मेरी बहन है ना वो बोल रही है शूट करवाना है, टेंशन मत लो अभी। तो ऐसे तो ऐसा कुछ भी होगा ना तो याद करें, क्योंकि इनका जो भी इम्पोर्टेंट, बेबी का बर्थडे भी था ना, इनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना नहीं करना, फिर आइडिया दिए, क्योंकि क्या होता है ना जब अपन रहते हैं पास में ना तो आइडिया एक्सचेंज हो, तो ही बोला भैया हम तो ना बोला डर गया। तो जो भी फंक्शन वगैरह होता है कीर्ति बोलो, हेलो बोलो, हेलो क्या चाहिए। तो ऐसा होता है कि जब हम लोग सब साथ कनेक्टेड रहते हैं ना, नॉलेज का एक्सचेंज होता है, ये साथ में कुछ प्लानिंग आइडियाज वगैरह मिलते रहते हैं, इससे इंसान अपना ग्रो करता है और बहुत कुछ सीखता है ना। और कीर्ति यहाँ पे अकेला था, मेरे को मिस कर रहा था। गुन्नू गुन्नी, तो बस इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आज के ब्लॉग को विराम करूंगा, और आई होप कि आप लोग सब लोग प्यार बनाए रखेंगे। यहाँ पे आप मिस्टी मिस्टी भी बैठे हो, मिस्टी कुछ कहना चाहे तो मेरे बारे में दो तारीफ कर दो यार। भाई सचिन भाई हमारी लाइफ में आए ना, हमारा लाइफ पलट गया सच्ची में, ये बात हम कह रहे हैं। हमारे लिए लकी सचिन भाई लकी है हमारे लिए, और अमित किट्टो से मिस्टी मिस्टी अमित भाई भी लकी है। हम तीन ही लोग थे पहले ग्रुप में। किट्टो बताइए मैं तुम्हारी लाइफ में यार, हम लोग साथ तुम्हारी लाइफ चेंज कैसे हुई, मेरे तुम्हारी लाइफ के चेंजिंग में मेरा कोई योगदान है? कुछ सीखने को बहुत कुछ मिला है। सबसे पहले तो आप पहले जो ब्लॉग डालते नहीं, सचिन भाई से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, इसलिए अच्छा भी लगता है इनके साथ बैठने में। हमारी किसी से भी मुलाकात नहीं हो सकती थी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अपने बच्चे बता रहा, हम लोग ना मतलब वीडियो चल भाई डाल देंगे इतना मतलब वो नहीं, ये मतलब मोटिवेट करने वाले हैं यही सब, जैसे कि ये जब मिले चलो भाई मिलते हैं आप सबसे अगले ब्लॉग में। रेगुलर हो जाए इसके बाद बच्चा होने के बाद मैं समझ सकता हूँ। चलो भाई बाय बाय, लव यू ऑल। बहुत हो गया, जिस एनर्जी के साथ मैं था ना, मेरा 8 मिनट का कोई नहीं होता, मेरा तो जितने मिनट का बन जाए। अभी एनर्जी थोड़ी सी डाउन है। जय हिंद दोस्तों।